राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अर्थात पत्थर की प्रतिमा में मंत्रोच्चार के द्वारा प्राण डालना अर्थात पत्थर की प्रतिमा को लिविंग एंटिटी में कन्वर्ट करना, यानी अब वो मूर्ति जीवित है, वो एक बालक है, वो एक लिविंग एंटिटी है और वो उसको भोग लगाया जाता है, भूख लगती है, उनको शयन कराया जाता है, नींद आती है, सोते हुए बालक को जगाया भी जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, रोज स्नान प्रतीक रूप में ही क्यों ना हो कराया जाता है। तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है पत्थर में प्राण डालना, जीवित करना। यह अभी 2 महीने का काम है। औसत अनुमान है 1.25 लाख, 1,25,000, 1,50,000 ऐसे श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, प्रातःकाल 6:30 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक 14 घंटे यात्रियों को दर्शन का प्रवेश रहता है। यहां कोई पैसा लेकर टाइम स्लॉट देकर दर्शन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए भगवान तिरुपति के मंदिर से इसकी तुलना करना उचित नहीं होगा। तो भी कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं या कुछ दुर्घटनाएं मेरे सुनने में आ रही हैं। सच्चाई का पता तो तभी लगेगा जब पुलिस विभाग, गुप्तचर विभाग ऐसे लोगों को पकड़ेगा, लेकिन यदि दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है, मेरा निवेदन है आप अच्छी तरह से जान लें कि आप ठगे जा रहे हैं, आपको कोई धोखा दे रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अर्थात मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट का इस धोखाधड़ी पैसे के लेन देन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि जो लोग लाइन में लगकर सहजता से दर्शन करते हैं उन्हीं को रामलला के दर्शन अच्छी प्रकार होते हैं, 100-150 फीट दूर से भगवान का दर्शन होने लगता है, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं दर्शन और स्पष्ट हो जाता है। तो एक आदमी लाइन में लगकर 10 मिनट तक भगवान के दर्शन करता है, किसी भी प्रकार चाहे जितनी भीड़ हो, 1 घंटा अधिक से अधिक 1.25 घंटा फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक दर्शन पूरा हो जाता है। अगर आप अपना मोबाइल, अपने जूते कहीं दूर रखकर आएंगे तो ये प्रवेश से बाहर निकलने तक की अवधि और कम हो जाएगी। यदि आप प्रातःकाल 7 बजे दर्शन करने के लिए जाएंगे, रात्रि को 8 बजे के बाद दर्शन करने के लिए जाएंगे, तब दर्शन काल और अधिक कम हो जाएगा। तो मैं यही निवेदन करता हूं, भक्त बनकर आइए, 1 घंटे चलते रहिए, लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर आने जाने में पैदल चलना पड़ता है, और किसी भी प्रकार का पैसा मत दीजिए। आप अगर पैसा देना ही चाहते हैं तो दर्शन के नाम पर पैसा देकर समाज में बुराई पैदा मत करो, या गरीबों को बांट दो, गरीबों को भोजन कराओ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।